प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कई महत्वाकांक्षी और परिश्रमी लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है। ऐसा ही एक नाम है ज्वालामुखी तहसील के गुम्मन निवासी सतीश कुमार का। सतीश कुमार ने बागवानी एवं कृषि विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ उठाकर स्वरोजगारी होने की नई इबारत लिखी है। ज्वालामुखी तहसील के गुम्मर निवासी सतीश कुमार सब्जी और नकदी फसलों के माध्यम से आज हर महीने 50,000 रुपए तक कमा लेते हैं, पर इससे अधिक उनके चेहरे पर दिखता सुकून उनके आत्मनिर्भर होने का साक्षी है। सतीश कुमार का सालाना 25 लाख रुपए का टर्नओवर है और 50 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खाद का प्रयोग उनकी खेती की विशेषता है, जिसके चलते उनके उत्पाद खेतों में ही बिक जाते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश ने सरकारी नौकरी के लिए काफी भागदौड़ की, परंतु उनके हाथ निराशा ही लगी। इस दरमियान घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। बड़ी हुई जिम्मेदारी के साथ जब उन्हें गृहस्थी की गाड़ी खींचना मुश्किल हो गया, तब उन्होंने सरकारी नौकरी के पीछे भागने के स्थान पर परंपरागत तरीके से की जा रही पारिवारिक खेती पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। खेती के लिए जमीन तो काफी थी, परंतु थी भगवान भरोसे, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन ना था। उन्होंने अपने प्रयासों से कुआं खोदना आरम्भ किया, परंतु यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। करीब 40 फुट खोदने के बाद भी पानी नहीं निकला और इस चक्कर में अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठे। इस दौरान उन्हें बागवानी विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में जाने का मौका मिला। शिविर में मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने खेतों में 1,75,000 रुपए की लागत से बोर बेल लगाया, जिस पर उन्हें सरकार की ओर से 1,03,000 रुपए और पंपिंग मशीनरी पर 17,500 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने प्रयासों से खोदे गए कुएं को जल भंडारण के लिए प्रयोग किया। इस तरह सिंचाई की नियमित व्यवस्था होने से खेती में काफी सुधार होने लगा। अब तक उन्होंने तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा ली थी। उन्होंने बागवानी विभाग से 8,00,000 रुपए का सरकारी अनुदान हासिल कर 1,000 मीटर में पॉली हाउस का निर्माण किया। खेती की निरंतर सिंचाई सतीश की मेहनत में इंद्रधनुषी रंग भरने लगी। मैं सब्जियों का काम करता हूँ, 3 ग्रीन हाउस लगाए हैं, बाहर ऊपर में भी सब्जियां लगाई हैं, और बाकी जो हमारे आस पड़ोस के 5-7 परिवार हैं वो भी यहाँ काम करते हैं, उनको भी रोज़गार मिला है। इससे हमारी अच्छी इनकम हो रही है, और ग्रीन हाउस के अंदर हम ऑर्गेनिक खेती की पैदावार कर रहे हैं और इसकी अच्छी मांग है मार्केट में और अच्छे दाम पे बिक रही है। और हम ऑर्गेनिक खेती की ज़्यादा मतलब पैदावार कर रहे हैं, इसलिए लोग भी हमारे पास आते हैं। संडे को मैं घर पे होता हूँ तो कई लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं और हमें उनके बताते हैं कैसे कैसे करना है। और ये जो पॉली हाउस लगाए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए हैं, उन्होंने हमें 85% सब्सिडी दी है इसके ऊपर, और जो कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी समय समय पर आकर हमें गाइड करते रहते हैं। और जो भी कोई किसान पॉली हाउस या बोरवेल खुलवाना चाहता हो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों के साथ मिलकर बात करे तो वो सब्सिडी करवा सकते हैं। HDO देहरा डॉक्टर GS गोमरा ने बताया कि ग्राम पंचायत गुम्बर में उन्होंने किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां उन्हें सतीश कुमार मिले और वो उनके साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि 2012 से सतीश कुमार उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सतीश कुमार को विभागों की सभी स्कीमें दी गई हैं। मैं यहाँ 2012 से यहाँ कार्यरत हूँ और मेरे पास विकासखंड प्रावकर भी है। तो ये जो हम आज सतीश कुमार का ये जो बना रहे हैं सक्सेस स्टोरी, इसमें हमारे साथ इसका सबसे पहले संपर्क उस समय हुआ जब हमने गुमर पंचायत में एक किसानों का एक दिवसीय कैंप लगाया, और उसमें हमारे सतीश जी हैं ये हमारे साथ जुड़े, इन कैंप में आए, हमारी स्कीमों से इतने प्रभावित हुए विभाग की कि उद्यान विभाग की हमने इतने साल हो गए, हमने कभी ये स्कीमें नहीं सुनी थी। और उस कैंप से 2012 से लेके अभी तक ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने इनको
ये तीन ग्रीन हाउस अभी दिए हैं, एक फैन इनमें से एक फैन एंड पैड है, और इनको ग्रेडिंग पैकिंग हाउस भी दिया है, इनको केंचुआ खाद भी दिया है। और ये हमारे एक ऐसे प्रोग्रेसिव किसान हैं जो हमारे साथ बिल्कुल 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद हमारे को फ़ोन में या हमारे को बुलाते हैं, हम इनसे फील्ड में विजिट करते हैं और टेक्निकली जितनी भी गाइडलाइन है हमारी हॉर्टिकल्चर की, कोई इनकी समस्या आ रही है एकदम हमारे से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो हम इनको अपने टेक्निकल गाइडलाइन से इनको जो है समझाते हैं, और इससे ये काफ़ी अपना इनकी जो और इनका जो काम है सब्जियों का ही है मेन। और इन ओपन में भी इन्होंने 15-20 कनाल में ओपन में भी इन्होंने गोभी भी लगाई है, और हर चीज़ ये पहले भिंडी लगाई थी। तो हमने भी इनको अपने विभाग से जिस जिस चीज़ में हमारे जो कंपोनेंट हैं उनमें इनको बहुत ही फ़ायदा भी दिया है, और इनने मुझे हमारे इस हमारी जो देरा विकासखंड देरा की हमारे SMS हमारे HU हैं और मैं हूँ, साथ में हमारे वेलदार हैं, तो जिन्होंने सभी ने इनको इतना सहयोग दिया है, हमें बहुत खुशी होती है कि इन्होंने इतना बड़ा हमारा ये इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्रेस की है कि इनकी इनकम पहले कुछ कम थी, अब तो ये इनके विचारों से अभी हमने इनसे पूछा तो इन्होंने ये बोला कि हमारी डबल से भी ज़्यादा बन गई है। और ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, देहरा।